नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है या कभी सुना है कि एक पिता ये कहे कि उसके पास उसके बेटे का फ़ोन नंबर नहीं है और बेटा वो जो पिता के साम्राज्य का करोड़ों की संपत्ति को देखभाल करता हो, उसका व्यापार संभालता हो, और ऐसे पिता ये कहे कि मेरे पास मेरे बेटे का फ़ोन नंबर नहीं है, क्या कहीं से भी ये जायज़ लगता है आपको? दोस्तों, ये मामला गेसेंस शोरूम का है और जिसके मालिक है ब्रजेश अग्रवाल। हमने ब्रजेश अग्रवाल जी से इस विषय पे, जो विषय हम आपको दिखाने वाले हैं, उस पर बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इस पर हमारे बेटे से आप बात कीजिए। हमने कहा बेटे का नंबर दीजिए, जिसका नाम राहुल अग्रवाल है। तो उन्होंने बेटे का नंबर देने से एक तरीके से मना कर दिया, ये कहते हुए कि मेरे पास मेरे बेटे का नंबर नहीं है। जिसको देखते हुए हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ उस जगह पे पहुंचे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं ग्राउंड रिपोर्ट पे, जहां गेसेंस को एनएमसी तथा एमएसईबी द्वारा नोटिस मिला है और नोटिस क्यों मिला है और क्या है मामला, ये सारी जानकारी मैं आपको दिखाता हूं। ते सस्ती जमीन इन्हें मिल चुकी है, जिसको लेकर के ये भी सवाल उठाया गया है कि अनाधिकृत तरीके से इसे अपने ऊपर कब्जा किया गया है एक तरीके से, जिसको लेकर के धर्मपेठ नागपुर महानगर पालिका जोन क्रमांक 2 द्वारा इन्हें नोटिस मिला कि पूर्व के तरफ से 180 स्क्वायर फीट का जो भाग है, यानी कि ये जो शेड आप देख रहे हैं, इस शेड की हम बात करें, ये अवैध तरीके से यहाँ पे गेसेंस वालों के तरफ से कब्जा किया गया है साफ तौर पर, जिसका मालक राहुल अग्रवाल है। और ये कब्जा को लेकर के एनएमसी की तरफ से नोटिस मिला कि इसे खाली कराया जाए, इनका जवाब दिया जाए। एनएमसी की तरफ से इन्होंने जवाब दिया है या नहीं दिया है, क्या दिया है, वो भी हम जरूर जाएंगे एनएमसी में धर्मपेट जोन में और वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस क्षेत्र में इतने सस्ते ज़मीन कैसे मिल जाती है? क्या इसमें कहीं ना कहीं इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वह उसके तरफ से कोई सेटिंग नहीं की गई है? क्या क्या सवाल ये भी उठता है, क्या अंडर टेबल कार्य किए गए हैं जिस तरीके से इतने अच्छे महंगे जगह पे इन्हें सस्ते में ज़मीन मिल गई? और ख़ास बात यह है, पहले यहाँ पे इनका बोर्ड लगा होता था, जल्द खुलने जा रहा है, ओपनिंग शॉर्टली कमिंग सून, जो भी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, लेकिन अभी यहाँ से हटा दिया गया है। बताया भी जाता है कि यहाँ नोटिस भी चिपकाया गया था एनएमसी द्वारा, लेकिन हिम्मत तो देखिए, जो अवैध कार्य करते हैं उनकी हिम्मत अवैध तरीके से ज़्यादा हो जाते हैं। और हिम्मत ये देखिए कि यहाँ से नोटिस भी फाड़ के फेंक दिया, कहीं भी नोटिस नज़र नहीं आ रहा है। जो बड़े लोग हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, वो अवैध कार्यों में एक प्रचलित उनका नाम होता है, जिसका जीता जागता उदाहरण हम देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, किसी भी धर्म संस्था की ये जगह है और इस तरीके से जो अवैध तरीके से यहाँ पे चीज़ें चलाई जा रही हैं, जिसको नोटिस मिले हैं, एमएससीबी के द्वारा भी मिले हैं, एनएमसी के द्वारा भी मिले हैं, तो क्या ऐसे जगहों पे जा करके एक आम जनता को वहाँ से शॉपिंग करना चाहिए क्या? क्या उसको बढ़ावा देना चाहिए क्या? कि कई चीज़ें हम सब पे डिपेंड करता है कि अगर कोई गलत तरीके से, अवैध तरीके से अपना कार्य करता है, अपने कार्य को अंजाम देता है, तो उसे सबक सिखाना एक आम जनता के हाथ में होता है। आखिर वो क्या करना चाहता है, किस तरीके से लोगों को चीज़ें करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, एक आम समझ होती है। खास बात ये, इनके राहुल अग्रवाल के नाम से ये है और ये जगह है, और इनके पिताजी का नाम है ब्रजेश अग्रवाल, जो एक जाने माने नागपुर के बड़े व्यापारी माने जाते हैं। ब्रजेश अग्रवाल जी को मैंने जब फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद उनसे पूछा कि राहुल अग्रवाल जी का फ़ोन नंबर है क्या, पहले तो बात करने के लिए तैयार नहीं थे, राहुल अग्रवाल से बात कीजिए बोले। मैंने पूछा कि राहुल अग्रवाल जी का फ़ोन नंबर आप हमें दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि राहुल अग्रवाल का नंबर हमारे पास नहीं है। बोला, सर राहुल अग्रवाल आपके बेटे ही है ना? उन्होंने कहा कि हाँ बेटे तो है, लेकिन नंबर हमारे पास नहीं है। देश की विडंबना देखिए कि एक पिता के पास बेटे का फ़ोन नंबर नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या संभव है क्या? और जो जो अपने सच्चे मन से, ईमानदारी से काम करेगा, वो पिता कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि बेटे का नंबर, यानी कि साफ नजर आता है कि किस तरीके से यहाँ पे अवैध तरीके से कार्य किया जा रहा है गेसेंस द्वारा, राहुल अग्रवाल द्वारा, और साथ में पिता ब्रजेश अग्रवाल कहते हैं कि मेरे पास मेरे बेटे का नंबर नहीं है, क्या विडंबना है। इससे संबंधित हर खबर आप तक लेकर आऊँ। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं वीर सिंह, इन दिस न्यूज़।